बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11th. सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज के इंडिपेंडेंट होती हैं, लाइक लेंथ, मास एंड एक्सेट्रा. देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब देखो, लेंथ के अंदर कोई और क्वांटिटी नहीं आती है, तो ये लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज. और मास के अंदर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आती, सॉरी, कोई और क्वांटिटी नहीं आती है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है इसके अंदर, तो इसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. और टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है? सेवन टाइप्स की. सबसे फर्स्ट होती है लेंथ, के आई मेक चार्ट. तो ये सातों के साथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है. सबसे फर्स्ट वाली है लेंथ. लेंथ का जो एसआई यूनिट, ये सारी हमारे पास क्या है? एसआई यूनिट. और ये क्या है? इनके सिंबल्स हैं. मीटर, लेंथ का मीटर सिंबल एम, मास का किलोग्राम सिंबल केजी, टाइम की एसआई यूनिट इज सेकंड सिंबल एस, टेम्परेचर की एसआई यूनिट इज केल्विन, नॉट सेल्सियस, नॉट फेरेनहाइट. टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन एंड सिंबल इज के. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड सिंबल इज ए. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है कैंडेला और इसकी जो एसआई यूनिट है, सॉरी, सिंबल क्या है? सीडी. क्वांटिटी ऑफ मेटल, क्वांटिटी ऑफ, सॉरी, मेटल नहीं, इधर मैटर है, इसकी है मोल और ये है मोल. इसके जो एसआई यूनिट है वो है मोल और सिंबल है मोल, MOL. ओके, तो बच्चों उसके बाद हमारे पास आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो मींस हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव कर सकते हैं. सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? यस, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी वी डिवाइडेड बाय टाइम. अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन. डिस्टेंस को हम किस में लिखते हैं? मीटर में. और टाइम को हम किस में लिखते हैं? सेकंड में. वेलोसिटी की तो हमारे पास जो एसआई यूनिट आ गई वो क्या आ गई? मीटर पर सेकंड. अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय में सेकंड, तो इस जो एक्सेलरेशन की आएगी वो क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो, एक्सेलरेशन क्या आएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि हमने ये किससे डिराइव की है? फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसलिए ये होती है डिराइव्ड क्वांटिटी. द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बाय बाय फॉर दिस वीडियो.